गाइस वेलकम बैक टू द राइडर शो। मेरा नाम है, आप लोग देख रहे हैं राइडर शो। फ्री फायर में आ चुका है प्राइस एज लो एज 1 डायमंड इवन। ये आपको ऐसे जाना है, ऐसा स्टोर से जाकर अभी दिख नहीं रहा इवन, मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डायमंड में भी ओपी सा बंडल आपको मिल सकता है, ठीक है। बंडल अच्छा है भाई, एकदम ओपी सा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी ये बंडल को निकालने वाले हैं और गाइस बाकी भी शॉपिंग करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले हमें यार फ्री वाला स्पिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कितना मिलता है भाई। एक डायमंड दे दे, एक डायमंड, एक डायमंड। 70% ऑफ मिला, ठीक है। तो अभी मेरे को 70% ऑफ आया है और मैं ले सकता हूँ 5 इंक्यूबेटर वाउचर, MP40 के कैरेट और USPS भी कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैं यार यहाँ से ले लूँगा अभी इंक्यूबेटर वाउचर, ठीक है। 7 डायमंड में 5, ठीक है। चलो तो हमारा भाई 70% चला गया। सबसे घटिया यहाँ पे 50 है, ठीक है। मुझे एक डायमंड और 99 वाला चाहिए भाई, ठीक है। एक डायमंड वाला दे दे भाई। 179 में लड़की का बंडल मिल रहा है, ठीक है। तो ले लिया जाए या रुकते हैं, बोलो। अभी हमारा 60% बचा हुआ है गाइस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 80% ऑफ मिल रहा है, उससे ऊपर है क्या। 99 में मिल सकता है और एक डायमंड में भी मिल सकता है भाई। तो मैं अपना अभी भी लक बचाना चाहूँगा, लेकिन मुझे रिफ्रेश करना है। तो फाइनली गाइस मैं ले लूँगा इतने में, यार ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं इतने में ले रहा हूँ गाइस। बाइंग दिस बंडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। देखो यार आगे चल के सारे लक हमें मिलने वाले, ठीक है। तो मैं अभी अपना रिफ्रेशर यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जितने चाहो उतने रिफ्रेशर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे और अपना आगे का जा सकते हो स्पिन के लिए। आपका लक यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अभी देखते हैं अभी क्या ही पड़ता है, ठीक है। तो यस 75% ऑफ मिल गया। एक काम करता हूँ मैं, 5 ले लेता हूँ वेपन रॉयल, ठीक है, क्योंकि ये सब ओपी चीज़ें होती है भाई, ठीक है। तो हम लोग फ्री का चलेंगे और गाइस फिर से अपना लक भाई 50% ऑफ आ गया। घटी आगे बढ़ो, अब यहाँ से डार्क डायमंड चार्ज करेगा और आपका जो प्राइस पूल है वो रिफ्रेश करके दे देगा। और आपका ये लक हटाने के लिए आपको कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, जो गाइस अभी अच्छा नहीं है। तो गाइस घूम फिर के वही चीज़ें आ रही है, ठीक है। चलो यार जान दो, हम लोग शू ले लेंगे। और यहाँ पे गाइस चला गया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अपना स्पिन करेंगे। एक डायमंड वाला मिलेगा क्या? ओ भाई 60% ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद गाइस 99 और एक डायमंड वाला है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, और कुछ दे रहा है क्या? नहीं, सब इससे सस्ता कुछ नहीं है। ये बंडल ले लेता हूँ भाई, ठीक है। चलो भाई ठीक है ठीक है, आधा था आधा नहीं था, चलो ठीक है, ओके ओके। ओपी ओपी गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस 99 डायमंड वाला है, तो यहाँ पे ओ भाई 55 पूरे डायमंड चले जाएंगे क्या यार? चलो यार हेड परचेस कर लेते हैं, है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो गाइस अब फाइनली यार फाइनली अभी एक डायमंड का स्पिन और 99 का। अभी एक डायमंड वाला मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो 99 वाला पे यहाँ पे मिला है मेरे को। अभी 99 में मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ यहाँ से, उसके बाद मुझे एक डायमंड वाला मिलेगा। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सब ओन ओन आ रहा है। तो मैं 99 में कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर, कुछ भी, एनी थिंग आई कैन बाय। तो आई थिंक 99 में गाइस 5 डायमंड रॉयल वाउचर लेना वर्थ ही रहेगा, ठीक। अभी एक डायमंड में यहाँ से मैं कुछ भी ले सकता हूँ गाइस। तो ये बंडल मेरे पास पहले से हो रखा है। तो गाइस अभी एक डायमंड में आपको यहाँ से 10 डायमंड रिफ्रेश करके आपको जो चाहिए यहाँ से प्राइस ले सकते हो। आपको डायमंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से जो अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा प्राइस देखकर आप ले सकते हो यहाँ से। मेरे पास सब वन वन आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास सारा ही चीज़ हो रखा है, तो मैं क्या ही लूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें वन 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 एड वन एड आ रही है और घूम फिर के 10 बार वही आइटम आ रहा है यार। मतलब क्या ही बोलूँ भाई, USP के कैरेट ले लूँ कि क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो भाई सब वन आ रहा है, सब वन आ रहा है भाई, सब वन आ रहा है। तो घूम फिर के वही आइटम आ गया, तो मैं काम करता हूँ USP के कैरेट ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने USP का कैरेट लिया, वो भी एक डायमंड में, बोल लड़की का बंडल छोड़ देकर। तो चलो ठीक है, बैक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा इवेंट कंप्लीट हो गया और कंप्लीटली मेरे को 800 डायमंड लग गए इस इवेंट में और हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली यहाँ पे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा थारा भाई राइडर ने क्या ही निकाला है भाई। तो यार सबसे पहले हमने निकाला है बुया डे वाला बंडल भाई साहब, एकदम ओपी तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा बुया डे का बंडल भाई। गाइस क्विक इक्विप कर लेते हैं और ये रहा बंडल, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा गाइस बंडल, आप देख सकते हो, ये इसके बाल हैं, ये इसका फेस मास्क, तो इसका टॉप है, बॉटम है और इसका शू है गाइस। इस तरह का ये बुईया बंडल दिया गया लड़की वाला, ठीक है। मैस्टिक ईविल बंडल नाम बोलते हैं इसको। अभी मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में डेकोरेट करता है इसको। सो गाइस आपने एडिट कर लिया, तो ये बंडल निकाल लिया। और गाइस अगर इवेंट में जाना है आपको, तो यार ये स्टोर में जाइएगा, यहाँ से क्लिक करिए, जहाँ से पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से गाइस हमारा इवेंट पूरा ही कंप्लीट हो चुका और सारी आइटम हमने क्लेम कर लिया, जो भी खरीदना था खरीद हो गया भाई। तो इतना ही था वीडियो में गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और आपको बताओ आपको एक डायमंड वाला कितने जल्दी मिला या कितने आखिरी में मिला, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई लव यू ऑल।